हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट की तरफ से जुलाई सेशन एंड जनवरी टू दिसंबर सेशन के लिए कुछ कमेंसमेंट डेट्स अनाउंस हो चुकी है एग्जामिनेशन की। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली वो कम्प्लीटली ऑफलाइन तरीके से होगी, और आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर बीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स की जो एफसी की इंटरनल एग्जामिनेशन है उस पर भी हम विचार विमर्श करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन की तरफ। जैसे कि आप वेबसाइट की तरफ देख सकते हो, वेबसाइट पर जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हो तो आपको यहाँ पर एक टैब दिखाई देगा एग्जाम फॉर्म फॉर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो अपडेट है वो जुलाई 2022-23 के अंदर अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, अगर आप जुलाई सेशन के स्टूडेंट हैं जिसमें जुलाई 2022-23 के सेशन में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो फर्स्ट ईयर बीए बीकॉम, फर्स्ट ईयर बीए सेमेस्टर वन, एफआई बीकॉम सेमेस्टर वन, एफआई बैक सेमेस्टर वन के फ्रेश एंड रिपीटर स्टूडेंट के एग्जामिनेशन 14 फरवरी से लेके 21 फरवरी के दरमियान होने वाली है। ये सारी की सारी एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इत्तला किया हुआ है। फिर बात करते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर बीए, फर्स्ट ईयर बीकॉम रिपीटर स्टूडेंट फॉर सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन। सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन की बात करें फॉर रिपीटर स्टूडेंट, उनकी एग्जामिनेशन 14 मार्च से लेके 20 मार्च के दरमियान होने वाली है। उसके अलावा एफआई बैफ सेमेस्टर टू की एग्जामिनेशन 28 फरवरी से लेकर 9 मार्च के दरमियान होगी। एसवाई बीकॉम की जो एग्जामिनेशन है वो 28 से लेकर 9 मार्च के दरमियान होगी। एसवाई बैफ सेमेस्टर थ्री की एग्जामिनेशन 28 फरवरी से लेकर 9 मार्च के दरमियान होने वाली है। एसवाई बीए सेमेस्टर थ्री की एग्जामिनेशन 28 फरवरी से 9 मार्च के दरमियान होगी। सेम एसवाई बैफ के स्टूडेंट के लिए 14 मार्च से लेकर 23 मार्च के दरमियान आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। SYBA रिपीटर स्टूडेंट, SYBA का रिपीटर सेमेस्टर फोर की एग्जामिनेशन आपकी 14 मार्च से लेकर 23 मार्च के दरमियान होगी। लेट मी वेरी क्लियर, फर्स्ट ईयर बीए, फर्स्ट ईयर बीकॉम, फर्स्ट ईयर बैफ, इनकी सेमेस्टर वन की एग्जामिनेशन 14 फरवरी से होने वाली है। FYBAF की एग्जामिनेशन 16 फरवरी से होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट ईयर बीए, फर्स्ट ईयर बीकॉम, फर्स्ट ईयर बैफ के सेमेस्टर टू की एग्जामिनेशन 14 मार्च 28 फरवरी से शुरू होगी। सेकेंड ईयर बैफ की एग्जामिनेशन 28 फरवरी से होगी। सेकेंड ईयर बीए, सेकेंड ईयर बीकॉम और सेकेंड ईयर बैफ के सेमेस्टर थ्री की एग्जामिनेशन फॉर फ्रेश स्टूडेंट 14 मार्च से होने वाली है। यहां पर आपको बात इतनी समझ में आ गई है। उसके बाद सेकेंड ईयर बीए रिपीटर और सेकेंड ईयर बीए बीकॉम रिपीटर स्टूडेंट की एग्जामिनेशन 14 मार्च के दरमियान होने वाली है। एग्जामिनेशन डिटेल, एग्जामिनेशन डेट शीट जैसे ही अनाउंस होगी मैं आपको अपने चैनल पर देखने की कोशिश करूंगा। ये सारी एग्जामिनेशन ऑफलाइन तरीके से होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जनवरी सेशन के स्टूडेंट के लिए। यस माय डियर, जिन्होंने जनवरी दिसंबर 2022 में एडमिशन लिया था, जिनकी फर्स्ट ईयर बीए बीकॉम की एग्जामिनेशन सेमेस्टर वन ऑलरेडी हो चुकी है, और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में एटी केटी लगी है तो रिपीटर की एग्जामिनेशन 14 फरवरी से ही होने वाली है। बट फर्स्ट ईयर बीए बीकॉम की जो सेमेस्टर टू की एग्जामिनेशन है, माय डियर, सेमेस्टर टू की एग्जामिनेशन 14 मार्च से 21 मार्च के दरमियान होने वाली है। सेमेस्टर थ्री एसवाईबीए एसवाईबीकॉम रिपीटर सेमेस्टर थ्री की एग्जामिनेशन 28 फरवरी से, और सेमेस्टर फोर की एग्जामिनेशन 14 मार्च से होने वाली है। यानी अगर हम कहें तो फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन 14 फरवरी से, सेकेंड ईयर के सेमेस्टर टू थ्री के एग्जामिनेशन 28 फरवरी से होगी, सेमेस्टर टू और सेमेस्टर फोर की एग्जामिनेशन 14 मार्च के दरमियान आपकी होने वाली है। ये सारे के सारे एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होने वाले हैं, इसके बारे में आपको मैंने क्लैरिटी दे दी है। उसी के साथ साथ अगर आप बीए बीकॉम के स्टूडेंट हो तो जिनको आप सभी को पता है फाउंडेशन कोर्स करके एक सब्जेक्ट होता है, इसमें आपकी इंटरनल इवैल्यूएशन होती है, तो इंटरनल इवैल्यूएशन आपका जो होगा वो ऑनलाइन तरीके से होगा। माय डियर, लेट मी वेरी वेरी क्लियर फिर से कह रहा हूं, FYBCOM FYBA SYBCOM SYBA की ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन 9 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान 21 जनवरी को होगी।
क्या कह रहा हूं, 21 जनवरी 2023 को आपके इंटरनल एग्जामिनेशन है। अगर आप फर्स्ट ईयर बीए बीकॉम के स्टूडेंट हो और आपका एफसी का एग्जाम है तो ऑब्वियसली आपके इंटरनल एग्जामिनेशन 9 से 5 के दरमियान कोई भी एक घंटे का स्लॉट आप चूज कर सकते हो। अगर उसी के साथ साथ आप बैफ के स्टूडेंट हो, बैफ के स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की बात कर रहा हो, आपकी एग्जामिनेशन 21 से लेकर 30 जनवरी के दरमियान बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स की होगी। लेट मी वेरी वेरी क्लियर फिर से कह रहा हूं, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कोर्सेस है आर्ट्स और कॉमर्स की बात करो, फर्स्ट ईयर बीए, सेकेंड ईयर बीए, फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम के सिर्फ एक सब्जेक्ट के इंटरनल एग्जामिनेशन, दैट इज फाउंडेशन कोर्स की एग्जामिनेशन 21 जनवरी को 9 से 5 के दरमियान होने वाली है। लेकिन अगर आप बैक के स्टूडेंट हो तो आपके सारे सब्जेक्ट के इंटरनल एग्जामिनेशन 9 से लेकर 5 के दरमियान 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के दरमियान होगी, जिसकी डिटेल शीट आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। अब जिस तरीके का एटमॉस्फेयर, जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के डेट्स आ रही है, उस तरीके से मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मास्टर्स की जितने भी इंटरनल एग्जामिनेशन होने वाली है वो सभी एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से होगी। यानी आपकी रिटेन एग्जामिनेशन भी होगी ऑफलाइन मोड में, और जो इंटरनल इवैल्यूएशन की बात आएगी तो उसके एग्जामिनेशन आपकी ऑफलाइन तरीके से होने वाली है। आई होप आपको मैंने क्लैरिटी दे दी है। सारी क्लैरिटी आप स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो देखो, आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिल जाएगी। आप आइडल की वेबसाइट पर जाकर डेट ऑफ कमेंसमेंट एग्जाम पर जाकर नोटिस भी डाउनलोड कर आप उसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके के आइडल रिलेटेड क्लैरिटी वीडियो के लिए, क्लैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहे। हमारा चैनल आइडल अपडेट देने के मामले में सबसे बड़ा है महाराष्ट्र में। इसी तरीके का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आइडल से रिलेटेड और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।